दोस्तों जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैं कन्याकुमारी जा रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ गांधी मेमोरियल के पास। ये पीछे आप देख रहे हो गांधी मेमोरियल है। इस तरफ चले जाएंगे तो सनसेट पॉइंट है, और अगर मैं इस तरफ चला जाऊँ इस तरफ बीच है, ठीक है ना, एक छोटी मार्केट है और बहुत सारे पॉइंट देखने के लिए है। Drive to the National Highway 44, then turn left onto National Highway 44. Take the next left onto Main Road. In 50 meters at the roundabout, take the third exit onto Kovalam Road, National Highway 44. Continue straight past Co-Optex Kanyakumari to stay on Beach Road, then sharp right to stay on Beach Road. Sharp right to stay on Beach Road, then turn left to stay on Beach Road. दोस्तों ये अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो एक बार आखिरी बार हम समंदर को देख रहे हैं। दोस्तों अभी हम यहाँ से निकल रहे थे तो एक बार सोचा हम एक बार दोबारा से समुंदर देख लें, तो समुंदर देखने के लिए आए हैं। सामने व्यू टावर है तो मैंने सुबह भी आपको दिखाया था। नीचे ये देखिए थोड़ा सा एरिया बना हुआ है, बट यहाँ बीच नहीं है, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा रफ है। आप देख पा रहे हो पानी कितना रफ है। वो सामने जो आप देख रहे हो वो है विवेकानंद मेमोरियल और त्रिवेणीपुर का स्टैच्यू, साथ में ये गांधी मेमोरियल है, और सामने ये एक छोटी सी मार्केट है। यहाँ कुछ होटल भी हैं, होटल तमिलनाडु भी है, तो यहाँ भी आप रह सकते हो। अभी हम निकल रहे हैं त्रिवेंद्रम के लिए। बाय बाय कन्याकुमारी। कैप्टन समुद्र मिल दे। Stay on Beach Road. Beach Road.
kilometers, turn left onto Kovalam Road, Kovalam Kanyakumari Road. Next left onto Kovalam Road, Kovalam Kanyakumari Road. Continue for 6 kilometers. दोस्तों ये चर्च चाहिए कोई, ये यहाँ बहुत बड़ी चर्च है। केरला और तमिलनाडु जितना भी कोस्ट एरिया है वहाँ पे क्रिश्चियन ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए जब आप समुद्र के साथ साथ चलोगे तो आपको बहुत सारी चर्च वगैरह मिल जाएंगी। आप देख पा रहे हो कितनी ब्यूटी है आगे, बिल्कुल नारियल के पेड़ लगे हुए हैं दोनों तरफ और बीच में देखिए पानी है और रोड बिल्कुल स्मूथ है, ट्रैफिक ज्यादा नहीं है। वैसे आप 40-50 की स्पीड पर चलिए, व्यूज को एंजॉय कीजिए। यहाँ पे आज तक पेड़ लगे हुए हैं, इसकी वजह से बिल्कुल ठंडा सा माहौल है। अब यहाँ से हमें आई थिंक सीधा जाना है। चेक कर लेते हैं हम सही जा रहे हैं कि नहीं, मैप देखना पड़ेगा। वैसे वहां लिखा होगा नेदर कोल त्रिवेंद्रम, जब भी हम एक बार देख लेते हैं। दोस्तों जैसे कैश विकर चलता है यहाँ पे, यहाँ पे लूना बहुत चलती है। देखो अगर लूना जा रही है, अभी लूना को ओवरटेक करेंगे। अंकल जी ने लूना का जहाज बना रखा है। Thank you.
काफी हमें कोई पेट्रोल पंप देखना होगा रास्ते में, क्योंकि पेट्रोल दो ही घंटे हैं सर इसमें, मतलब 150 लीटर पेट्रोल होगा इसमें मेरे हिसाब से, तो 50-60 किलोमीटर चल पाएगी और उसके बाद हमें पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा। आई होप कि इतने एरिया में कोई ना कोई पेट्रोल पंप तो आ ही जाएगा। आ रहा है आगे, इससे हमें करना होगा ओवरटेक। जब तक ये आगे रहेगा हमें व्यू नहीं दिखेगा, या तो हमें आगे निकलना पड़ेगा तो इससे पीछे रहना पड़ेगा। तो कैसे बीच पे चढ़ रहा है सारा, कहीं भी हो ऑटो वाले बहुत गंदी ड्राइविंग करते हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ से हमें जाना होगा लेफ्ट। In 200 meters at the roundabout, take the second exit onto State Highway 179. In 600 meters at the roundabout, take the second exit onto Meenakadi Road. यहाँ पे स्कूल के नीचे बिना हॉर्न जाए निकल गए। देखो आंटी उनकी ड्राइविंग थोड़ी कमाल रहती है। टीवीएस जो गाड़ी है नेट्रोक, आई डोंट नो कि मैं इसे सही से प्रोनाउन कर रहा हूँ नहीं। हाँ दम है स्कूटी में, इसमें दम है। मैंने इसको काफी भगाया है आज और कल, काफी हाइट पे भी इसको जो है बस मैं एक बार भी इसमें दम नहीं तोड़ा, बिल्कुल स्मूथली चढ़ी है ये। दोस्तों ये बीच है संगू तुराई बीच, तो ये देख पाओगे बड़ा अच्छा बीच है, बड़ा साफ दिख रहा है दूर से। और ये मैं खड़ा हूँ संगू तुराई बीच के सामने, मेरे बिल्कुल पीछे ये बीच है। अगर आप कन्याकुमारी से आओगे तो रास्ते में 1.5 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा आपको ये बीच देखने के लिए। मेरे पीछे आप बीच देख पा रहे हो, अभी मैं आपको बीच और दिखाता हूं। दोस्तों ये बीच है सामने, ये देखिए डोगी हमारे पीछे पड़ गया है। डोगी दिलप्रीत भी डोगी बन गया है। डोगी क्या कैसे करता है, डोगी कितना करता है, दसी डोगी कितना करता, कितना करता, कितना करता डोगी, दसी करके करके दादी। तो ये सामने है बीच,
काफी साफ बीच है, बट अभी यहाँ पे कोई है नहीं है, खाली पड़ा है बीच, टूरिस्ट नहीं है तो कोई यहाँ आता नहीं है। अभी हमें जहाँ से निकलना पड़ेगा, डॉगी काफी परेशान कर रहा है, कहीं काट लिया तो 10 टीके लगवाने पड़ जाएंगे दोस्तों। मजाक कर रहा हूँ, एक्चुअली कुछ है नहीं ज्यादा देखने के लिए, तो यहाँ से हम निकल रहे हैं क्योंकि टूरिस्ट नहीं है, धूप है, बीच है। आपको दिखाने के लिए मैं सिर्फ इस बीच पे आया था, तो मैंने आपको दिखा दिया है। ये डॉग हमें फॉलो कर रहा है, अभी साथ साथ चल रहा है, पर हमारे पास अभी कुछ खाने के लिए है नहीं, तो हम इसको नहीं दे पाएंगे। दोस्तों दोबारा से हमारा सफर शुरू हो गया है। दोस्तों अभी आप देख के आए हैं बीच, बीच अच्छा था, साफ था, कभी टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, और ये थोड़ा इंटीरियर में है बीच। आप देख पा रहे हो कितने अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, नारियल की खेती होती है यहाँ पे। तो नारियल इनकी मेन फसल है यहाँ पे, नारियल उगाया जाता है साथ में चावल। Turn left onto Eth Mojibur Talib Road, Nagpur to Kanyakumari Road. Turn left onto Eth Mojibur Talib Road, Nagpur to Kanyakumari Road. यहाँ से हम आए हैं अभी। ट्रिवेंद्रम के लिए जाना पड़ेगा हमें सीधा, नेगर कोइल के लिए राइट, तो नेगर कोइल हमें जाना नहीं है, हमें जाना है त्रिवेंद्रम, तो हम जा रहे हैं सीधा।
Tribendram, this side. Tribendram. Go on the side. Thank you, sir.